Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we will do part 2 of unit 6 House of Hundreds, part 1. यूनिट सिक्स हम कर रहे हैं इसका पार्ट वन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्लीज गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स चलिए देखते हैं आगे के पार्ट में क्या दिया हुआ है सो लेट अस टू फर्स्ट है तेजी एंड जोजो सो अ बिग अपार्टमेंट तेजी और जोजो जो को यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट दिख रहा है जिसका नाम क्या है हॉप हंड्रेड्स होम ओके जो भी इस तरीके की लाइन होती है इसको हम रो बोलते हैं और जो ये लंबी लाइनें होती हैं, इसको हम कॉलम बोलते हैं ठीक है फाइंड द हाउसेज नंबर्स ऑफ द शेडेड हाउसेज विदाउट काउंटिंग शेयर योर स्ट्रेटेजीज यहाँ पर हमें जो शेडेड रीजन है जितने भी बॉक्स में कलर किया हुआ है उनके नंबर पता करने हैं लेकिन बिना काउंटिंग किए तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे नाउ फिल इन द शेडेड बॉक्सेस विद द करेक्ट हाउस नंबर हमें जो भी शेडेड रीजन है उसमें सही से नंबर को फिल करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं वन से लेके ट्वेंटी तक तो हमें पूरी काउंटिंग दी गई है अब उसके बाद ये शेडेड रीजन है तो कैसे फिल करेंगे चलिए देखते हैं सो so, सबसे पहले ये गर्ल कह रही है वन फ्लोर अबाव वन हंड्रेड फाइव इज वन हंड्रेड फिफ्टीन अगर 105 हंड्रेड यहाँ है तो इसके एक फ्लोर ऊपर 115 है क्योंकि 10 ज्यादा है ऊपर ऐसे ही नीचे यहाँ 13 दिया हुआ है यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइंस ऊपर गए तो क्या आ रहा है यहाँ पर 113 इज 10 फ्लोर्स अबव 13 मतलब कि एक नंबर के ऊपर वाला जो फ्लोर है वो उसमें 10 ऐड करने पर आएगा तो चलिए सभी शेडेड रीजन को हम फिल करते हैं तो जैसे यहाँ थ्री है थ्री में टेन ऐड करेंगे तो थर्टीन थर्टीन में टेन ऐड करेंगे तो ट्वेंटी थ्री अब देखो ट्वेंटी थ्री है जस्ट ऊपर क्या आएगा टेन ऐड करेंगे तो थर्टी सेवन फिर फोर्टी सेवन इसके ऊपर क्या आ जाएगा फिफ्टी सेवन है ना टेन टेन ऐड कर रहे हैं फिर एक डॉट है यानी फिर ऊपर जाएंगे तो सेवनटी सेवन ठीक है अब 77 के राइट में क्या आ जाएगा एक बड़ा नंबर यानी कि 78 ऐसे यहाँ 57 है तो इधर के नंबर्स फिल कर देते हैं 58, 59, 60 और 57 से पहले आ जाएगा 56 56 के जस्ट ऊपर टेन ऐड करेंगे फिफ्टी सिक्स एंड टेन सिक्स राइट तो इधर के हमने सभी इतने देख लिए थोड़े थोड़े करके हम बॉक्सेस देख रहे हैं ऐसे यहाँ पर हमने 23 फिल किया था अब 23 के ऊपर क्या आएगा 33 33 के ऊपर शेडेड बॉक्स है 43 फिर एक बॉक्स खाली है 53 53 के ऊपर आएगा 63 क्योंकि 10 ऐड होगा 63 के जस्ट ऊपर आएगा 73 73 का राइट एक ऐड करेंगे 74 और एक इधर आ जाएगा 72 टू ओके okay. थ्री के एक राइट में सिक्सटी फोर ऐसे ही फोर्टी थ्री के लेफ्ट में फोर्टी टू फिर एक माइनस करेंगे फोर्टी वन ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम बिना सारे बॉक्सेस को काउंट किए हुए भी हम नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं आगे देख लेते हैं सो सेवेंटी टू सेवेंटी टू के जस्ट ऊपर एटी टू टेन हमने ऐड किया ठीक है अब सेवेंटी टू के इधर के काउंट कर लो सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर फिर 75 76 दो बॉक्सेस खाली हैं 77 78 यहां तक क्लियर है फिर 78 के जस्ट ऊपर आएगा 88 88 ये शेडेड नहीं है तो नहीं फिल करेंगे फिर 10 ऊपर 98 अब 98 हो गया 98 के राइट में एक ऐड करेंगे 99 और 98 के एक इधर 87 अब ये 99 में 10 ऐड किया तो 109 अब 109 में 10 ऐड किया तो 119 ठीक है ऐसे ही 99 में से 10 माइनस किया तो नीचे का नंबर आ जाएगा 89 89 में वन ऐड किया तो इधर आ गया 90 अब यहां पर 119 दिया हुआ है हमें है ना तो 119 के बाद क्या आता है 120 अब हमने देखा था कि यहाँ पे 113 है तो इसकी हेल्प से हम सारे फिल कर सकते हैं 114, 115, 116, 117, 118, 114 के जस्ट ऊपर 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 124 और ऐसे ही 115 के ऊपर 10 ऐड करेंगे तो 125 और उसके ऊपर 10 ऐड करेंगे तो 135 तो यहाँ तक हमने 135 तक फिल कर लिया। अब देखो, यहाँ पर 117 में 10 ऐड किया तो 127, 127 में 10 ऐड किया तो 137, 137 में 10 ऐड किया 147, 147 में 10 ऐड किया तो 157, 157 में 10 ऐड किया तो 167, तो यहाँ पे 167 आ जाएगा। ऐसे ही 118 है तो इसमें हमने 10 ऐड किया तो 128 फिर 10 ऐड करेंगे 138 फिर 10 ऐड करेंगे 148 फिर 10 ऐड करेंगे 158 फिर 168 और ऐसे ही 178 188 एंड 198 10 10 का गैप आ गया ओके okay. तो यहाँ पर 198 है तो उसके राइट में एक एक नंबर बढ़ेगा 199 एंड 200 और 198 के इधर एक एक माइनस करेंगे 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191 अब यहाँ पर 135 हमने लिखा था 135 के जस्ट ऊपर क्या आएगा 145 और उसके ऊपर 155 155 का एक राइट जाएंगे तो एक ऐड होगा 156 156 के जस्ट नीचे क्या आएगा 146 10 माइनस करेंगे ओके और यहाँ आप देख सकते हैं 114 है तो उसमें 10 ऐड किया तो 124 फिर 10 ऐड करेंगे तो 134 फिर 10 ऐड करेंगे तो 144 ओके सो so 144 आ गया इसके एक पहले है 143 अब इसके ऊपर 143 में 10 ऐड किया तो 153 इसके ऊपर 10 ऐड किया तो 163 अब इसके पहले वाला नंबर 163 में से 1 माइनस करेंगे तो 162 फिर 10 ऐड करेंगे क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो 172 ओके तो इस तरीके से हमने ये सारी काउंटिंग कंप्लीट कर ली। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड डू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे कह रहा है अरविंद दादा हैज टू डिलीवर स्वीट फ्रॉम फारूक चाचा शॉप टू डिफरेंट हाउसेस कलर द हाउसेज टू विच ही हैज टू डिलीवर स्वीट्स द हाउस नंबर आर गिवेन हियर अब अरविंद दादा को ये जो नंबर्स दिए हुए हैं हाउसेस के इन नंबर्स में जाके स्वीट्स डिलीवर करनी है तो कैसे करेंगे तो देखिए जो जो नंबर दिए हैं एक एक करके हम देखते हैं तो देखो 209 हंड्रेड यहाँ पर आएगा ओके ये हमने पहले ही फिल किया हुआ था तो 209 ये रहा तो इस वाले शॉप में करेंगे फिर 228 में करना है तो देखो 209 में 10 ऐड किया तो 219 फिर 10 ऐड किया तो 229 लेकिन हमें 28 में जाना है यानी वन लेफ्ट में तो 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 228 आएगा यानी इस वाले फ्लोर पे मिठाई डिलीवर करनी है फिर 242 यहाँ हमें दिया हुआ है 258 यानी कि 242 के जस्ट ऊपर क्या आ जाएगा 252 10 ऐड करेंगे फिर ये काउंटिंग कंप्लीट कर दो 253 254 255 256 257 एंड 258 अब है 267 तो 258 के ऊपर 268 268 के एक पहले क्या आएगा 267 यानी ये वाला फ्लोर फिर 276 यानी 267 के जस्ट ऊपर 277 10 ऐड किया और एक पहले आ जाएगा 276 यानी इस वाले फ्लोर पे डिलीवर करेंगे बाकी के नंबर्स हम आगे देख लेते हैं अगला है 290 तो 276 तक हमने देख लिया अब 290 करना है तो 76 के जस्ट ऊपर क्या आएगा 286 फिर यहां से काउंटिंग कंप्लीट करो 287 288 289 एंड 290 तो इस वाले फ्लोर में करेंगे वो डिलीवर फिर 315 पता करना है तो 301 यहाँ है अब नेक्स्ट इसके ऊपर क्या आ जाएगा 311 फिर 312 13 14 एंड 15 तो 315 यहाँ आ गया बाकी का 346 तो इसके लिए हम कैसे करेंगे यहाँ हमें 315 हमने फिल किया था तो इसके जस्ट ऊपर 325 देन 335 देन 345 और एक साइड में आ जाएगा इधर राइट साइड में 346 अब 367 तो 346 के जस्ट ऊपर 356 फिर 366 और एक राइट में आ जाएगा वन ऐड करेंगे 367 इस वाले रूम में डिलीवर करेंगे फिर 389 तो 367 के जस्ट ऊपर 377 387 फिर 387 के वन राइट right, 388 फिर वन राइट right, 389 इस वाले रूम में डिलीवर करेंगे फिर 395 तो 387 के जस्ट ऊपर 397 फिर 1 396 फिर 1 395 तो इस वाले रूम में डिलीवर करेंगे तो आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके याद रखने हैं और सब कुछ इजी हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं राइट द फ्लोर एंड कॉलम नंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हमें ये जो नंबर दिए हुए हैं इनका फ्लोर लिखना है और कॉलम लिखना है तो देखो जितने भी रोज हैं ये मैंने नंबर कर दिए हैं जीरो से लेके नाइनटीन तक और जितने भी कॉलम्स हैं से लेके 10 तक मैंने नंबर कर दिए हैं अब कैसे करेंगे देखो पहला दिया हुआ है थर्टीन थर्टीन कहाँ है ये रहा यानी रो कौन सी है ये वन यानी कि फर्स्ट फ्लोर है और कॉलम कौन सा है ऊपर आप देख सकते हैं थ्री तो ये इस तरीके से लिखा है फिर सिक्सटी सेवन ये रहा सिक्सटी सेवन यहां आएगा सो सिक्स फ्लोर है और सेवंथ क्या है कॉलम फिर 106 ये रहा तो टेंथ रो है एंड सिक्स कॉलम है फिर 159 ये रहा सो फिफ्टींथ फ्लोर है और नाइन्थ कॉलम है ओके okay? ऐसे ही 192 नाइन्टी है 192 ये रहा सो नाइनटीन फ्लोर है एंड सेकेंड कॉलम है बाकी के देख लेते हैं टू थर्टी वन ये फोर्थ रो है और फर्स्ट कॉलम है पहली ही लाइन में आया है फिर टू फोर्टी फाइव ये फिफ्थ फ्लोर है एंड फिफ्थ कॉलम है फिर 328 ये थर्टींथ रो है एंड एट्थ कॉलम है फिर 380 हंड्रेड रो है एंड टेंथ कॉलम है 399 ट्वेंटीथ रो है एंड नाइन्थ कॉलम है हमें रोज लेफ्ट साइड देखने हैं और कॉलम ऊपर की तरफ देखना है और इसको फिल करना है आई होप आपको ये समझ में आया होगा नेक्स्ट देखते हैं फाइंड notice? नंबर हाउ द हाउस नंबर चेंजेस वेन मूविंग अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट देखो जैसे यहाँ वन फोर्टी फोर दिया है मैंने अभी आपको बताया वन राइट में गए तो एक एड होगा वन फोर्टी फाइव वन लेफ्ट में गए तो एक माइनस होगा वन फोर्टी थ्री से 145 के जस्ट नीचे क्या होगा -10 होगा यानी 135 ऐसे यहाँ 12 दिया है तो इसके राइट में एक-एक स्टेप जाएंगे 1-1 ऐड होगा 13 14 अब 14 के ऊपर 10 ऐड हो जाएगा 24 ऐसे यहाँ 319 है इसके जस्ट नीचे 10 माइनस करेंगे 309 और लेफ्ट में 1-1 माइनस करेंगे 319 में से 1 गया तो 318 फिर 317 ऐसे यहां 238 दिया है तो जस्ट नीचे 10 माइनस करेंगे 228 और इसके लेफ्ट में दो बॉक्सेस है यानी एक-एक माइनस करेंगे 228 में से वन गया तो 227 एंड देन 226 नेक्स्ट है यहाँ कुछ रिडल्स दिए हुए देखिए कैसे करेंगे हु एम आई आई हैव डिजिट 9 1 एंड 5 ये जो भी नंबर है बता रहा है कि आप इसको पहचानिए पहली जो पहली है और कह रहा है मेरे पास तीन डिजिट्स हैं क्या क्या है नाइन वन एंड फाइव अब कह रहा है आई एम लेस देन टू हंड्रेड इन तीनों को मिलाकर आप एक ऐसा नंबर बनाइए कि मैं दो सौ से तो कम हूं एंड आई हैव नाइन तो तीन ही डिजिट है नाइन वन और फाइव तो नाइन तो मैंने वंस के नीचे लिख दिया क्योंकि ये नंबर ऐसा बोल रहा है तो बताना है कि कौन सा ये नंबर है तो अब बच्चे वन और फाइव अगर मैं हंड्रेड के नीचे फाइव लिख दूंगी तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नंबर क्या है 200 से छोटा है तो यहाँ पर वन लिखेंगे और यहाँ फाइव लिखेंगे अपोजिट नहीं लिख सकते क्योंकि 519 ये 200 से बड़ा हो जाएगा नेक्स्ट पहली देखते हैं आई एम थ्री डिजिट नंबर ये थ्री डिजिट का नंबर है आई हैव ओनली डिजिट फोर एंड जीरो इस नंबर में सिर्फ दो ही डिजिट हैं फोर और जीरो विच नंबर एम आई तो ये कौन सा नंबर होगा तीन डिजिट का है तो देखो शुरू में जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं होता तो यहाँ फोर लिख देंगे है ना फोर और फिर दो जीरो राइट right? क्योंकि दो ही डिजिट्स हैं तीसरा कोई नंबर दिया नहीं है तो जीरो ही रिपीट हो जाएगा ना नेक्स्ट इज आई एम ग्रेटर देन 300 ये जो नंबर है 300 से बड़ा है लेकिन 400 से छोटा है आई हैव नो टेंस तो 100 टेंस वंस लिखा टेंस के नीचे जीरो लिख दिया क्योंकि कोई भी टेंस डिजिट नहीं है माय वंस एंड 100 डिजिट्स आर सेम और वंस और 100 डिजिट जो है वो दोनों सेम है है ना तो क्या होगा ये नंबर देखो पहले कहा है 300 से बड़ा है लेकिन 400 से छोटा है तीन लिख देंगे यहाँ क्योंकि चार लिखेंगे तो फिर ये बड़ा हो जाएगा क्यों क्योंकि 100 और वंस दोनों जगह सेम सेम नंबर लिखना है अगर मैं 100 के नीचे 4 लिखूंगी तो वंस के नीचे भी 4 लिखना पड़ेगा तो ये 404 हो जाएगा ये तो 400 से बड़ा है लेकिन कह रहा है कि नंबर 400 से छोटा होना चाहिए तो यहां लिख दिया थ्री और यहाँ भी लिख दिया थ्री यानी कि नंबर हो गया थ्री हंड्रेड थ्री हाउ लेट सी द नेक्स्ट पार्ट सो अरविंद दादा पैक स्वीट इन बॉक्सेस ऑफ हंड्रेड टेन एंड एज पैकेट्स ऑफ लूज स्वीट्स अरविंद दादा क्या करते हैं पैकेट्स में मिठाइयाँ पैक करते हैं हंड्रेड्स में tens में और भी उसमें मिठाइयों का पैकेट होता है द नंबर ऑफ फॉर एवरी हाउस इज द द सेम एज हाउस नंबर जो हाउस नंबर है मिठाइयां भी उतनी ही हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है ड्रॉ स्वीट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हाउस नंबर यहाँ पर हमें हर हाउस नंबर के लिए कितनी कितनी मिठाइयां हैं वो ड्रॉ करना है तो जैसे इधर हाउस नंबर दिए हैं फिर ड्रॉ स्वीट बॉक्सेस विद टाइप्स ऑफ बॉक्सेस एंड पैकेट्स ऑफ एन नंबर सेंटेंस कैसे करेंगे इसको चलिए एक एक करके देखते हैं तो जैसे पहला है टू हंड्रेड इलेवन हाउस नंबर तो वन के नीचे वन लिखा है तो वन बॉक्स टेंस के नीचे वन लिखा है यानी वन टेंस का बॉक्स होगा और हंड्रेड के नीचे टू है यानी हंड्रेड के टू बॉक्सेस होंगे सो इसको कैसे लिखेंगे 2h यानी 200, 1t यानी वन टेंस एंड 1o यानी 1 वन नंबर सेंटेंस कैसे बनेगा 200 प्लस 10 प्लस 1 ओके okay? ऐसे ही नेक्स्ट है 309 तो इसमें नाइन वंस हैं और टेंस के नीचे जीरो है तो कुछ भी नहीं होगा 100 3 है तो थ्री बॉक्सेस होंगे सो लिखेंगे कैसे 3h प्लस 0t प्लस 9o सो so, 300 प्लस 9 देन 275 सो so, 200

प्लस फाइव ओ थ्री हंड्रेड प्लस सिक्सटी प्लस फाइव फिर थ्री फोर्टी थ्री थ्री हंड्रेड फोर टेंस एंड थ्री वन्स, थ्री हंड्रेड फोर्टी एंड थ्री ओ फिर थ्री हंड्रेड प्लस फोर्टी प्लस थ्री इस तरीके से करेंगे नेक्स्ट है फोर फिफ्टी एट फोर हंड्रेड फाइव टेंस एंड एट वन्स, फोर एच फाइव टी एट ओ फोर हंड्रेड प्लस फिफ्टी प्लस एट फिर है फाइव सिक्स हंड्रेड सिक्स एंड टू वाइव एच सिक्स एंड टू ओ फाइव हंड्रेड प्लस सिक्सटी प्लस टू फिर सिक्स जीरो सिक्स यानी कि सिक्स हंड्रेड टेंस के नीचे जीरो है तो कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे और वंस के नीचे सिक्स है सो सिक्स एच प्लस जीरो टी फिर प्लस सिक्स ओ सो सिक्स हंड्रेड प्लस सिक्स फिर है 800 इसमें सिर्फ 100 के नीचे है एट तो एट बॉक्सेस टेन्स और वंस के नीचे जीरो है तो कुछ ड्रॉ नहीं होगा यानी कि 8h एच प्लस जीरो टी प्लस जीरो ओ यानी कि 800 आई होप इट इज क्लियर नाउ लेट सी द नेक्स्ट पार्ट स्प्रिंग लीप Homes. यहां पर हमें एक पैटर्न दिया हुआ है उस बेसिस पे हमें जंप करना है और कैसे घर को फाइंड आउट करेंगे हाउस नंबर्स को वो देखना है तो पहला है राइट द हाउस नंबर्स ऑफ येलो एंड पिंक बॉक्सेस ये जो येलो शेडेड हैं और पिंक शेडेड हैं उनको हमें फिल करना है लेकिन पूरे बॉक्सेस को काउंट किए बिना फिल करना है तो चलिए पहले हम दोनों को फिल करते हैं कैसे करेंगे तो यहां देखिए 410 है उसके जस्ट ऊपर क्या होगा 420 क्योंकि 10 ऐड करेंगे फिर एक माइनस किया तो 419 फिर 429 क्योंकि 10 ऐड किया एक माइनस किया तो 428 फिर 438 क्योंकि 10 ऐड किया और एक माइनस किया तो फोर फिर 447 क्योंकि 10 ऐड किया एक जस्ट ऊपर 10 ज्यादा होता है फिर एक माइनस किया तो 446 फिर 456 क्योंकि 10 ऐड किया और 1 माइनस किया तो 455 इसके जस्ट ऊपर 465 क्योंकि 10 ऐड करेंगे और 1 माइनस किया तो 464 फिर 10 ऐड किया तो 474 आएगा फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 473 फिर फोर हंड्रेड एट्टी करेंगे तो और एक माइनस किया तो 482 और यहाँ तो 491 ऊपर दिया हुआ है तो ऊपर जाने के लिए 10 ऐड करना है और लेफ्ट साइड जाने के लिए 1 माइनस करना है नेक्स्ट हम पिंक वाले कर लेते हैं तो यहाँ 401 है यहाँ इसके ऊपर 411 आ जाएगा 10 ऐड किया अब राइट साइड जाना है तो 1 ऐड करेंगे 412 फिर 412 के जस्ट ऊपर आएगा 422 और इसके राइट में वन ऐड करेंगे तो फोर 23. ऐसे ही 433 और वन ऐड करेंगे तो 434. फिर 444 और एक ऐड करेंगे तो 445. 445 के ऊपर 455 और वन ऐड किया तो 456. फिर 456 के ऊपर 466 और एक ऐड किया तो 467. 467 के ऊपर वन टेन ऐड करेंगे तो 477 और वन ऐड किया तो 478. 478 के ऊपर 10 ऐड करेंगे तो 488 और 1 इधर ऐड किया राइट साइड तो 489 ऐसे ही 489 के ऊपर आ जाएगा 499 और उसमें प्लस 1 करेंगे तो 500 तो इस तरीके से राइट साइड जाते हैं तो प्लस 1 करते हैं और जस्ट ऊपर 10 होता है आई होप आपको ये नंबर जो हमने फिल किए समझ में आया होगा आगे है राइट द पैटर्न यू सी इन दीज नंबर्स तो हमने क्या पैटर्न देखा देयर इज अ पैटर्न ऑफ प्लस टेन एंड माइनस और प्लस वन हमने पहले प्लस टेन किया हर नंबर में और फिर अगर हमें राइट right साइड जाना है तो प्लस वन किया और लेफ्ट साइड जाना है तो माइनस वन किया यही इसमें पैटर्न है तो इसके साथ हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है अरविंद दादा वांट्स टू पैक स्मॉल बॉक्सेस ऑफ टेन इन अग बॉक्स ऑफ हंड्रेड टेन टेन के जो पैकेट्स है उसको वो हंड्रेड के बॉक्स में डालना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ टेन कैन बी फिट इन अ बॉक्स ऑफ हंड्रेड हंड्रेड का जो बॉक्स है उसमें 10, 10 के कितने आ जाएंगे तो देखिए इसमें एक लाइन में टेन है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यानी टेन ऐसी रोज आएंगी तो हंड्रेड कंप्लीट होगा तो यहाँ टेन लिख दिया फिर हाउ मेनी बॉक्सेज ऑफ टेन कैन बी फिट इन टू बॉक्सेस ऑफ हंड्रेड जब एक बॉक्स है 100 का तो उसमें 10 लाइंस आ रही हैं 10 10 की तो दो बॉक्सेस में कितने आएंगे 20 ऐसे ही फोर बॉक्सेस में कितने आएंगे तो 40 नाउ लास्ट हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ 10 विल फाइंड इफ ओपन अ बॉक्स ऑफ 100 अगर 100 का एक बॉक्स ओपन करेंगे तो 10 10 के कितने हमको मिलेंगे 10 क्योंकि हमने 10 10 ही तो फिल करके एक 100 बनाया था नेक्स्ट है नंबर हंट राइट द नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300 दैट हैव 5 एज़ अ डिजिट हमें 200 और 300 के बीच के सारे नंबर लिखने हैं जिसमें 5 कहीं भी आता है ठीक है इज 245 वन सच नंबर राइट द अदर नंबर्स 245 क्या एक नंबर है इनमें से यह yes, है क्योंकि 200 से बड़ा है और 300 से छोटा है इन्हीं के बीच का में लिखना है और इसमें लास्ट में 5 है तो यस yes, ये

75 285 एंड 295 तो ये 200 और 300 के बीच के सारे नंबर्स हैं जिसमें की 5 आता है लेट्स सी द नेक्स्ट लेट्स प्ले डू यू रिमेंबर दिस गेम लेट अस प्ले इट वंस अगेन हमने पिछले चैप्टर में गेम खेला था वी विल रिकॉर्ड द एक्शंस इन दैट टेबल बिलो वन इज डन फॉर यू 100 के लिए हमें क्लैप करना है टेंस के लिए हमें स्नैप यानी चुटकी बजानी है और वंस के लिए हमें पैट यानी थपथपाना है तो यहां नंबर दिया है 211 तो देखो दो बार क्लैप है क्योंकि 200 है Tense कितने हैं हंड्रेड तो स्नैप एक बार है फिर पैट भी एक बार है यानी वंस भी एक है फिर ऐसे ही कुछ नंबर ले, ले लेते हैं वन वन टू तो इसमें क्लैप वन टाइम करेंगे क्योंकि हंड्रेड वन है टेंस इसमें वन है तो स्नैप भी वन टाइम करेंगे पैट यहाँ पे टू टाइम्स करेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पे वंस की जगह दो लिखा हुआ है फिर 315 में क्लैप थ्री टाइम्स करेंगे स्नैप वन टाइम करेंगे क्योंकि टेंस कितना है वन और वंस यानी पैट कितनी बार करेंगे फाइव टाइम्स क्योंकि वंस की जगह पर फाइव है फिर 215 में 200 सेट दो क्लैप करेंगे वन टेंस है यानी वन स्नैप करेंगे और फाइव वंस है यानी फाइव पैट करेंगे फिर 221 में टू है तो दो बार क्लैप करेंगे Two, है, तो दो बार चुटकी बजाएंगे यानी करेंगे। फिर one, है तो one बार पैट करेंगे यानी एक बार ये बहुत है तो हम तीन पार्ट्स में कवर करेंगे थर्ड पार्ट छोटा ही होगा जिसमें कि हम बचा हुआ चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच विडियो थैंक यू सो मच